गाइस, गुड इवनिंग। और अभी मुझे पता नहीं कितने बज रहे हैं, 5:30 हो रहा है अभी। तो पीहू आई थी, उसे भूख लगा है। पीहू यहीं पे खड़ी है पीहू यहीं पे खड़ी है बच्चा, है ना? पीहू को क्या लगा है? भूख लगी है। तो क्या खाएगी पीहू? दूध रोटी। दूध रोटी खाएंगे, पीगी खाएगी। तो दूध रोटी और कॉफी। आज मैंने सुबह में ना बिना शुगर वाला कॉफी पिया तो जा रही है दूध रोटी बनाने। तो मेरी कॉफी बन चुकी है। हाँ, मैं पीऊंगी कॉफी 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 अकेले अकेले। कभी अपना मजा आता था आप लोगों को? हर चीज ना सबके साथ नहीं किया जाता है। और आपने देखा, खुशबू बहुत अच्छा लगता है। ये लॉकडाउन में ना लोग इंजॉय कर रहे हैं। और मैं सीरियसली बताऊं, मैं क्या कर रही हूँ, मेरा कोई इंजॉयमेंट नहीं हो रहा है लोग ना बहुत इंजॉय कर रहे हैं, अच्छी अच्छी चीजें कर रहे हैं, बच्चे के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं। और यार यहाँ ना बहुत पसीना आता है। यहाँ नहीं, मैं यहाँ छूती हूँ ना, पता है ये जो पोर्शन है ना, इस पोर्शन पे लोग अच्छी अच्छी चीजें कर रहे हैं, है ना? लॉकडाउन में मैं क्या कर रही हूँ? नाचिंग इच पेचल। कब से वीडियो ना एडिट करके अपलोड कर रही हूँ, हो नहीं रहा है। अच्छा, एक बात बोलना था। मेरा एक चैनल है, वैसे एक मिनट ऐसे बात करती हूँ। हाँ जी, तो बात करते हैं। मेरा एक चैनल है, मेरा एक्चुअली फर्स्ट चैनल वही है, कल्पना मिश्रा के नाम पे, मेरे नाम पे, कल्पना मिश्रा। सो इस चैनल पे मैं बहुत दिनों से थी नहीं, ठीक है ना? तो ये लॉकडाउन में एक तो छोटी सी अच्छी चीज हुई है कि मैंने उस पे अब स्टार्ट किया ना थोड़े डालना। तो आप जाकर के जरूर चेकआउट कीजिए, लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा उस चैनल का। और उस चैनल पे ना थोड़ा अलग कंटेंट रहते हैं। एक्चुअली मुझे ब्लॉग भी, मैं उस चैनल पे डालती थी, फिर मुझे लगा कि नहीं, मैं ब्लॉग को ना टोटली अलग कर लेती हूँ। क्योंकि ब्लॉग क्या होता है ना, कि ब्लॉग के अपने व्यूअर्स होते हैं जिनको सिर्फ ब्लॉग देखना ही पसंद आता है। और कुछ व्यूअर्स ऐसे भी होते हैं जो मिक्स होते हैं, जस्ट लाइक मी। मुझे हर टाइप के कंटेंट अच्छे लगते हैं, मतलब अच्छा लगता है। तो मैं उसी टाइप की पर्सन हूँ और मैं करती भी हूँ। देखो क्या हालत हो गई है नील की। जब आप हाथ से खाना खाते हो ना तो ऐसा ही होता है, ठीक है? इसे भी निकालूंगी, इसे भी निकालूंगी। परसों ही लगाया था वीडियो के लिए, पर देखो हालत। और ये है लॉकडाउन का असर, कि आप अभी लगाओ और अभी नेल पॉलिश निकल जाते हैं काम करके। हाँ, तो मैं बोल रही थी कि हर किसी का कंटेंट अलग होता है, लेकिन मैं वही कंटेंट डालती हूँ जिसमें मुझे करने में अच्छा लगता है। तो मुझे मेकअप पसंद है, ब्यूटी पसंद है, लाइक ब्यूटी से रिलेटेड टॉपिक्स पसंद है, फैशनेबल वीडियो करना पसंद है, लुक बुक वगैरह। लेकिन ना आइडियाज़ बहुत है, उतना मैं उस चैनल पे डाल नहीं पाती वीडियो। सबसे पहले रीज़न कि उस पे किसी का होना जरूरी है, कि जब आप शूट कर रहे हो। और मतलब मैं उस चैनल की क्वालिटी, आप देखोगे तो पता चलेगा उसकी क्वालिटी अच्छी रहती है। तो इसलिए किसी का होना जरूरी है, पिक्चर क्वालिटी, वीडियो क्वालिटी। एंड
मैं डाल नहीं पाती क्योंकि पिनाकी नॉर्मली फ्री नहीं रहते हैं। तो अभी है तो मैं थोड़ा डाल रही हूँ, लेकिन प्रॉब्लम इसकी नेट बहुत स्लो है, एडिट करने में प्रॉब्लम हो रहा है क्योंकि सारा टाइम तो यही लोग खा जा रहे हैं। अभी 2 दिनों से मैं इनको लैपटॉप नहीं दे रही हूँ क्योंकि मुझे एडिट करना है, तो मैंने तो एक वीडियो एडिट करके डाल दिया, अभी वीडियो भी डालने वाली हूँ और साथ में ब्लॉग की भी चला ली हूँ। सो यस कॉफी, अभी मैंने शुगर डाला इसमें, बिना शुगर जैसा ही लग रहा है। ये ब्राउन शुगर है, बहुत अच्छी वाली ब्राउन शुगर है, ज्यादा मीठी नहीं है। सो चलिए, आज मैं बनाने वाली हूँ लंच में पास्ता मेरे और पीयू के लिए, और शेयर करूंगी मैं। और दूसरा दूसरा क्या, पिनाके के लिए थोड़ा सा राइस बना दूंगी, फिश है हो जाएगा। सो ये है अनियन और ये है पनीर, जिसे मैंने छोटे छोटे क्यूब्स में काटा है, बिल्कुल ही छोटे क्यूब्स में, ये देख सकते हो, ताकि ये थोड़े खाने में अच्छे लगे। सो हेलो, और अभी बज रहे हैं 8:30, तो मैं आ चुकी हूँ किचन में और राइस पिनाके के लिए थोड़ा सा चढ़ा दिया है मैंने, और मैंने दिखाया आपको अनियन एंड पनीर भी कट कर लिए हैं। उसके अलावा मैंने लिया है, पहले बताती हूँ, बटर में बनाऊंगी सोच रही हूँ। नॉर्मली मैं कभी बटर में नहीं बनाती, मैं ऑलिव ऑयल में बनाती हूँ, पर बटर में बनाऊंगी। और एंड उसके अलावा बटर बटर के अलावा मैंने, मेरे पास में ना ये फ्री का पाउच आया था, ठीक है, मैंने किसी सामान में लिया था जो बहुत दिनों से रखा हुआ है। तो ये है इमामी हेल्दी एंड टेस्टी का इटालियन टेस्ट मेकर। इसमें ना एक्चुअली पिज्ज़ा वगैरह के लिए, सॉरी पास्ता वगैरह के लिए ही है। इसमें गार्लिक बीट्स भी हैं और ड्राइड ऑर्गेनो भी है जो कि मैं डालती हूँ, चिली फ्लेक्स डालती हूँ नॉर्मली मैं, पार्सली भी है इसमें, सॉल्ट, ब्लैक पेपर वगैरह। तो इसमें बेसिकली वो सारे हर्ब्स हैं जो आपको पास्ता में लगेगा, तो मैं सोच रही थी यूज़ कर लूँ, नहीं तो ये ख़राब हो जाएंगे। उसके अलावा अगर मुझे कम लगा तो मैंने चिली फ्लेक्स रखा हुआ है एंड ये रखा हुआ है, क्या बोलते हैं इसको, ब्लैक पेपर। और यस, इसमें मैंने थोड़ा सा ही है बचा हुआ गार्लिक पेस्ट, तो वो भी यूज करूंगी। ये सब मैं पहले, हाँ, और ये है मायो मेरे पास में, ये भी थोड़ा सा है, और बहुत ज्यादा सॉसी तो सोच के नहीं बनाऊंगी अभी फिलहाल। मैं क्या करूंगी, पहले पनीर को फ्राई करके निकाल लूंगी, उसके बाद में मैं अनियन फ्राई कर लूंगी। बाकी कोई भी चीज मेरे पास में नहीं है, कॉर्न अगर है फ्रिज में तो मैं कॉर्न डालूंगी और पनीर के साथ ही कॉर्न को भी फ्राई कर लूंगी। और कोई कुछ भी नहीं है, कैप्सिकम वगैरह कुछ भी नहीं, अगर है आपके पास तो जरूर डालिए, बहुत ही अच्छा होता है। और मैं ये सारे डालने के बाद में अनियन को फ्राई कर लूंगी एंड जैसे सब फ्राई करके मसाले जो है और क्रीमी, थोड़ा सा मिल्क डाल करके क्रीमी, आप बस देखिए कि मैं कैसे बना रही हूँ। मैं पहले ये बता रही हूँ क्योंकि ना मैं चिमनी ऑन करूंगी तो बहुत आवाज आता है इसलिए। सो चलिए बनाते हैं। Thank you.
गाइस आपने देखा कि मैंने थोड़ा सा चेंजेस किया है, जबकि मैं आपको बता ही रही थी कि मैं हूँ ही ऐसी। सो मैंने उसमें थोड़ा सा जो है वीट फ्लावर डाला है, और मेरे पास में मैदा नहीं था, अगर मैदा है तो मैदा डालिए, और वीट फ्लावर थोड़ा सा मैदा से ज़्यादा अच्छा होता है टेस्ट में, नहीं ऑप्शन में, मतलब हेल्दी ऑप्शन में। सो मैंने वो डाला है, थोड़ा सा डाला थिकनेस के लिए, क्योंकि ज़्यादा चीज़ वगैरह कुछ भी नहीं है घर पे, मतलब बिल्कुल कुछ भी अवेलेबल नहीं है। टर्न तो बहुत अच्छा हुआ है, अभी मैं दिखाऊंगी फाइनल लुक। एंड क्या यूज़ किया मैंने, हाँ वो चीज़ यूज़ किया क्योंकि पेपर वगैरह कुछ नहीं था। मैंने देखा कि फिर वो क्रीम चीज़ है मेरे पास में बेल पेपर का, तो वो यूज़ किया मैंने, थोड़ा सा 2 स्पून। और क्या यूज़ किया मैंने, लास्ट में मैंने चीज़ डाल के अभी छोड़ दिया है, वो थोड़ा मेल्ट हो जाएगा तो बहुत अच्छा टेक्सचर आएगा, मैं आपके साथ में दिखाती हूँ। और बहुत अच्छा सेंट आ रहा है, वो जो सीजनिंग है ना जो मैंने आपको दिखाया था वो बहुत ही अच्छा है, टेस्ट बाद में बताऊंगी। सो आप देखिए ये कितना क्रीमी बना है, देख रहे हैं, और ये चीज मुझे तो बहुत ही अच्छा लग रहा है, पता नहीं क्यों मुझे पास्ता बहुत पसंद है। तो चलिए पीयू के लिए निकालती हूँ। सो मैं आपको थोड़ा सा टेस्ट करके बताती हूँ कैसा बना है। बहुत ही अच्छा, मैंने खुद बनाया इसलिए नहीं बोल रही हूँ, मुझे लगा नहीं था कि बिना क्या बोलते हैं कोई भी इंग्रेडिएंट्स के इतना अच्छा बनेगा। बहुत अच्छा बना है, बहुत अच्छा। पीरू का रिएक्शन देखना, चलिए दिखाऊंगी। हाँ आपकी कर ले रही हूँ बाबू, उसका नहीं कर रही हूँ, उसको प्रॉब्लम। कैसा बना? बना अच्छा बना। हाँ कितना अच्छा, बहुत अच्छा। अच्छा बाहर में जो खाते हो वैसा ना, घर के जैसा? बाहर के जैसा नहीं बना, मम्मा के टेस्ट के जैसा। छोटू बच्चा कंफ्यूज हो गया ना, क्या बोलेगा, है ना? अच्छा बना, कुछ से वेजिटेबल नहीं था आपका वाला, बाहर में डाइनिंग टेबल पे रखा है। अब अच्छे से बताओ सबको कैसा बना, बंद करो वीडियो और अच्छे से बताओ। अच्छा लगा। ठीक से बताओ। अच्छा लगा मुझे पास्ता। कितना पसंद आया था? आप देख सकते हैं साढ़े नौ और मतलब 9:20 हो गया है। चलिए ब्लॉग को यहीं पे बंद करूंगी, और आई होप कि आपको अच्छा लगा हो, अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए, आपका लाइक और सब्सक्राइब मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।